गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने जो है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कि अगर रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना हो, यानी कि अगर हमें किसी जगह पे सपोज रेजिस्टर्स दिए हुए हैं R1, R2, R3 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, अगर हमें रेजिस्टेंसेस दिए हों और हमें मिल के रेजिस्टेंस इनको जोड़ना इस तरीके से है कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, या किसी जगह पे हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो इनको हम किस तरीके से कनेक्ट करें कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए। तो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो सीरीज़ और पैरेलल में क्या फ़र्क है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस को जोड़ने से टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब मान लीजिए आपके पास में 3-4 रेजिस्टेंस है, अगर आप उनको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। वेरेस अगर आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इन्हीं दो मेथड्स को हमने आज पढ़ना है। तो देखते हैं कि कैसे सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस जो है टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, या टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे डिक्रीज़ हो जाता है। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कब कनेक्ट कर, हम कब कहते हैं कि रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड है, जब आपके पास में एक पॉइंट से प्रोसीड करते समय सारे रेजिस्टेंस एक ही लाइन में कनेक्टेड रहेंगे। जैसे सपोज करते हैं ये R1 रेजिस्टेंस है, ये इसका A पॉइंट है, ये इसका B पॉइंट है, ठीक है। जहाँ ये रेजिस्टेंस ख़त्म होगा इसी के आगे इसी लाइन में आप दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड, सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड एंड, सेकेंड एंड के आगे आपने क्या कर दिया, थर्ड एंड लगा दिया, ठीक है। और मान लेते हैं ये आपका पॉइंट नंबर B है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो आपके रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कब कहेंगे, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक ही रास्ते से होकर गुजरेंगे, तब हम कहेंगे रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़। रेजिस्टेंसेस आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़ इफ़ यू प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ सर्किट थ्रू सेम पाथ। अगर हम एक ही रास्ते से जाएँ और सारे रेजिस्टेंसेज उस रास्ते में आ जाएँ तो सीरीज़ में होते हैं, नंबर वन। या नंबर टू, रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में तब कनेक्टेड रहते हैं जब इन सब से सेम करंट फ्लो करेगी। मान लीजिए ये रेजिस्टेंसेस आपने R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं और इसके अक्रॉस में आपने क्या लगा दिया है, कोई सोर्स ऑफ EMF लगा दिया है, ठीक है। जैसे ही आप सोर्स ऑफ EMF लगाएंगे तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। मान लीजिए ये सोर्स ऑफ EMF लगाया, और आप पहले भी पढ़ चुके हैं सोर्स ऑफ EMF क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं ना EMF को। तो ये फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ से करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगी, ये करंट फ्लो करेगी तो ए पॉइंट तक पहुँची। ए पॉइंट से आगे इसके पास जाने के लिए कितने रास्ते हैं, एक ही है। करंट यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस से गुजरेगी, यानी कि इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट गुजरेगी, आई, यही करंट जो आ रही थी। यही करंट आगे जाएगी इस रेजिस्टेंस से गुजरेगी, यही करंट आगे जाएगी इस रेजिस्टेंस से गुजरेगी, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट गुजरेगी। क्यों, क्योंकि किरचॉफ का हमारे पास एक ला होता है, इसे हम कहते हैं किरचॉफ ला, या ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, कि एनर्जी को ना तो बर्बाद किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, इसको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। या किसी भी सर्किट में टोटल सम ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस जो है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी, ये KCL भी कहता है, जो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो इतनी करंट आ रही है, इस करंट के आगे एक ही रास्ता है, तो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट इन तीनों से होके जाएगी, इसलिए सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप जानते हैं, ओम्स लॉ कहता है वी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर। किसी भी जगह पे कितनी वोल्टेज इस्तेमाल होगी वो किसके बराबर होगी, उस जगह पे कितनी करंट फ्लो कर रही है और उसमें कितना रेजिस्टेंस है। तो इस फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज इस्तेमाल होगी, मैं मान लेता हूँ V1। क्यों V1, क्योंकि V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1, करंट तो सेम है बट रेजिस्टेंस क्या है, अलग। उसी तरीके से इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, दैट विल बी V2। V2 इज इक्वल्स टू I2 into R2। इसी तरीके से थर्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज रहेगी, दैट विल बी V3, दैट इज I into R3, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर देखो V1 को मैं कैसे लिख लेता हूँ, V1 इज इक्वल्स टू I into R1, V2 को हम ऐसे लिख लेते हैं I into R2, और V3 को हम लिख लेते हैं I into R3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये V1, V2, V3 है, ये किसकी वजह से आई थी, इसी की वजह से, यानी कि ये जो टोटल वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाई है, टोटल पोटेंशियल हमने यहाँ लगाया है, यही इसके अक्रॉस थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, थोड़ी वोल्टेज यहाँ यूज़ हो रही है, थोड़ी वोल्टेज यहाँ यूज़ हो रही है, यानी कि टोटल वोल्टेज इज़ द सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3।
एज वी नो दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी वन किसके बराबर है आई इंटू आर वन, वी टू किसके बराबर है आई इंटू आर टू, एंड वी थ्री किसके बराबर है आई इंटू आर थ्री। आई इंटू आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम आई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो आई का आई कैंसिल, तो जो करंट है वो तो कांस्टेंट है, करंट तो चेंज नहीं होगी, वहाँ पे हमने जो ये कैंसिल किया इसका मतलब करंट इज़ कांस्टेंट सिर्फ और आर, इसको मैं लिख लेता हूँ आर सीरीज़ में है ना, ये टोटल रेजिस्टेंस आर एस लिख लेता हूँ इसको मैं, आर एस इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। इसका मतलब जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि तीनों प्लस हो रहे हैं, तो सीरीज़ में रेजिस्टेंसेस जुड़ के रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। हेंस वी कैन से इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंसेस जो है दैट विल बी इंक्रीज, दैट विल इंक्रीज, ठीक है। नंबर वन थिंग, तो यहाँ पर पॉइंट्स में लिख लेता हूँ, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, पॉइंट नंबर वन, टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। नंबर टू, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, तीनों रेजिस्टर से करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। वोल्टेज जो है across any जो रेजिस्टर है, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। पहली पॉइंट मैंने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है, किसी भी रेजिस्टर से करंट सेम गुजरती है, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, यदि रेजिस्टर कंपोनेंट का नाम है, रेजिस्टेंस उसकी खासियत होती है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस द सर्किट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। हमारे पास अगर कोई बोले कि सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो सभी रेजिस्टेंसेस को जब आप सम कर देंगे तो वो हमें देगा टोटल रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस।